सभी किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं सुंदर जाट और आप देख रहे हैं इंडियन एग्रीटेक गुरुजी चैनल पर खेती बाड़ी के नेट। किसान भाइयों, आज वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही शानदार और बहुत ही कमाल की जानकारी देने वाला हूं। हमारे किसान भाई के पास मैं आया हूं और इन्होंने जो है 10 KV का सोलर लगवा रखा है, जिसके माध्यम से ये ट्यूबवेल चला रहे हैं। आप सभी को पता है मेरे किसान भाइयों कि बिजली की जो है बहुत ज़्यादा समस्या हमारे देश में चल रही है, और उस समस्या की वजह से हम जो है अपने काम जो है टाइम पे नहीं कर पाते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाई जो कि युवा किसान हैं, उनका ऑर्गेनिक फार्म भी यहाँ पे है, तो इन्होंने अपने फार्म पे यहाँ सोलर प्लांट लगवा रखा है। तो उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, इन्होंने कैसे लगवाया और कितने टाइम तक इसको यूज में लेते हैं। तो आपका भाई जी हमारे चैनल में स्वागत है सर। नमस्कार जी। तो अभी आप हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा अपना एक छोटा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं डाडदा गांव का रहने वाला हूं, डिस्ट्रिक्ट पलवल जी। तो अभी सर जैसे कि मैं बात करता हूं, सबसे पहले आपने ये सोलर जो है लगवाने का मन में विचार कहां से आया आपके में? सोलर का ऐसा था, बिजली को लेके बहुत समस्या पे थी हमारे यहाँ पे जी, क्योंकि ऐसा था कभी फॉल्ट होता था बिजली को लेके, कभी टाइम पे बिजली, सब्जी वगैरह का खेती करते हैं तो उसमें टाइम पे पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो टाइम पे पानी नहीं मिल पाता था सब्जी को, सब्जी ख़राब हो जाती, इसलिए हमने सोलर का प्लान। सोलर फिर आपके मन में ये आइडिया आया कि चलो हम जो है ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है तो हम सोलर लगवाएं जी। तो आपको सोलर प्लांट लगवाने में कितना टाइम लगा, पहले तो ये बताइए आपको। सोलर प्लांट को लगवाने में मुझे 1-1.5 महीने का टाइम लगा। तो किस माध्यम से लगवाया आपने, किसी कंपनी से खरीदा था या क्या प्रोसेस है सर इसका? ऐसा होता है ऑनलाइन फार्म निकलते हैं कुसुम योजना के तहत जी जी, इसकी ऑनलाइन फार्म निकलने के बाद उसको फार्म साइबर कैफे वाले से फिल करा के और उसमें फिर फर्द वगैरह लगती है खेत की जी जी, और वो लोकेशन देखने के लिए आते हैं, वो लोकेशन चेक करके फिर आपकी बैंक के द्वारा DD कटती है जी जी, और DD कटने के बाद आपकी जो पेमेंट हो जाती है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 7.5 वाली मोटर लगवाना चाहते हैं या 10 हॉर्स पावर की लगवाना चाहते हैं। तो आपने कितने जो है 10 हॉर्स पावर की है, 7.5 हॉर्स पावर कितने KV का मोटर लगवा रखा? ये पैनल तो 10 हॉर्स पावर के हैं, मोटर जो चलती है 7.5 हॉर्स पावर की। तो आप जैसे कि बात करें हमारे जैसे किसान भाई, जैसे अभी मान के चलो अच्छे गर्मी का टाइम है, धूप निकल रही है काफ़ी अच्छा, तो कितने घंटे तक जो है हमारे किसान भाई इससे अपनी मोटर को चला सकते हैं? इससे 9-10 घंटे आराम से। तो अभी जैसे आपने लगभग कितने बजे से कितने बजे तक स्टार्ट करते हो आप? मैं इसको फिलहाल गर्मियों के दिनों में मैं इसको 7:30-7 बजे स्टार्ट कर देता हूँ, और ये शाम को 5, 5:30, 6 बजे तक भी चल जाता है। तो सर जैसे कि मान के चलो अभी रात्रि के टाइम में हमें यूज लेना है, तो क्या रात्रि के टाइम में भी हम जो सोलर से, जैसे मान के चलो अभी लाइट चली गई, सूरज छिप गया, तो क्या ये रात्रि में भी हम ट्यूबवेल चला सकते हैं? जी जी जी, उसके लिए हमें स्टोरेज का सिस्टम लगवाना पड़ेगा अलग से, और हम कर सकते हैं उससे। तो जैसे कि अभी आपने इसको लगवाया, तो अभी जैसे हम मोटर को चलाते हैं तो जैसे बिजली से ज़्यादा पानी देती है या कम देती है? जैसे हमारे बिजली से मोटर को चलाते हैं तब और सोलर से चलाते हैं तो पानी पे कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, पानी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा इक्वल ही होता है जी, इक्वल, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर रहता है। हाँ, और फिर इसमें ऐसा भी है जैसे मान के चलो आपके एक बार जैसे बादल वगैरह हो रहे हैं और उसमें हमारी जो आम मोटर हैं जैसे बिजली से चलने वाली मोटर हैं उन पे ये इफेक्ट होता है कि पानी कम ज़्यादा, उस बिजली कम ज़्यादा होने पे वो फूकने का चांस होता है। इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, ये बिजली बादल ज़्यादा हो या कुछ भी हो तो एक बार अगर ये चालू हो गया तो मोटर वगैरह फूकने का चांस नहीं होता, पानी का थोड़ा हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। और जो ये टाटा कंपनी का लगा हुआ है और ओसवाल कंपनी की मोटर है और इसकी 20 साल की वारंटी है जी, और जो मोटर और स्टार्टर की 5 साल की है। तो आप और इसमें GPS सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा, GPS सिस्टम भी लगा हुआ है जी, जैसे चोरी वगैरह होने के लिए। अच्छा, चोरी भी नहीं होगा, जैसे मान के हाँ। चलो हम इस पे को घर से चला यहाँ के लगा के छोड़ जाएं तो चोरी होने का कोई खतरा नहीं है जी जी, और इसमें इंश्योरेंस भी है। अच्छा, इंश्योरेंस कितना मिला है आपको? इंश्योरेंस जितने पूरी फुल पेमेंट का जी जी, फुल पेमेंट मिलेगा, कोई दिक्कत हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई उठा के ले जाए तो इंश्योरेंस जो है गवर्नमेंट ने आपको करके दिया है जी। तो आप बात करते हैं जैसे कि अभी ये कितना एरिया जो है आपका कवर कर रहा है सर सोलर? ये ज़्यादा नहीं, ये 60 फुट के लंबाई
और 20 फुट के समथिंग चौड़ाई। तो आप बात करते हैं सर, जैसे कि अभी हमारे ये सोलर के नीचे जो खाली जगह बची हुई है, क्या इसके नीचे हम बोवाई वगैरह कर सकते हैं? इसके नीचे हम सर्दियों में, अभी आप देख सकते हैं उसमें नर्सरी वगैरह डाली हुई है, आप देख सकते हैं इधर साइड नर्सरी वगैरह करते हैं हम इसमें। अब बात करते हैं सर, जैसे कि अभी आपने, ये कोई वेस्टेज नहीं है जगह, अभी तो अभी आप मोटर चला रहे हो, सबसे हैवी काम है, लेकिन आपने कभी चक्की वगैरह, पंखे वगैरह, लाइट वगैरह चला रहे हो आप? जी जी। तो आप हमें बता सकते हो, दिखा सकते हो कि यहाँ हमारी चक्की चल रही है? ये हमारे घर पे लेके जा गए हैं। जी जी, देखिए अभी मेरे दर्शक भाइयों, इनका इधर यहाँ पे पास में ही घर है, और मैं आपको एक एक छोटे छोटे सीन दिखाऊंगा कि जो कि सोलर से चल रहे हैं। तो अभी बात करते हैं कि आपका जो खर्चा आया था इस सोलर को लगवाने में, वो कितना आया, कितने परसेंट आपको गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी? इसमें हमें गवर्नमेंट ने 75% की सब्सिडी दी है। 75% सब्सिडी आपको दी थी? जी जी जी। तो आपका खर्चा कितना आया था? हमारा खर्चा 111,000। तो 111,000। तो आपने पहले जो पैसा पूरा भरा था, या मतलब 111,000 ही भरे थे टोटल पेमेंट? एक्चुअल पेमेंट हमने 111,000 ही। तो ऐसा नहीं है पहले कहीं ज्यादा आपको भरना पड़ा हो? जी जी नहीं। तो मेरे किसान भाइयों, सबसे बड़ी समस्या किसान के साथ में यही आती है, जो सब्सिडी है जी, वो किसान को नहीं मिल पाती। पर इसमें ऐसा नहीं है, सोलर पैनल में ये किसान आसानी से सब्सिडी ले सकते हैं। अच्छा। इसमें जो एक्चुअल पेमेंट है वो ही करनी है आप, बस हमारे इस, को बस एक्चुअल पेमेंट है। हाँ, वो भी बैंक के माध्यम से जी। यदि हम प्राइवेट लगवाएं तो मेरे किसान भाइयों, आपको जो पूरा पेमेंट करना पड़ता है, तब जाके आपको इसमें 4.5 लाख के समथिंग खर्चा आ जाएगा एक अगर प्राइवेट लगवाना चाहते हैं। तो हमारे किसान भाइयों को कुछ अपनी तरफ से संदेश देना चाहेंगे आप सोलर के बारे में? किसानों को मैं संदेश देना चाहता हूँ, जो भाई हमारी सब्जी वगैरह की खेती करते हैं उनके लिए तो बहुत ही लाभदायक है ये। जी जी। तो मेरे किसान भाइयों, और बिजली की बचत आने वाले टाइम में, क्योंकि बिजली बहुत ही महंगी पड़ने वाली है, तो टाइम रहने से पहले इसको हम लगा लगा। मेन चीज तो ये है कि देश में पहले ही बिजली की समस्या है, और दूसरी समस्या ये है कि हमारे किसान भाइयों के दिन प्रतिदिन खर्चे बढ़ रहे हैं, यूनिट का खर्चा बढ़ रहा है। तो अभी मेरे किसान भाइयों, आपका सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका बिल नहीं आएगा। सबसे बड़ी खास बात ये है कि आपको एक बार बस पैसा इन्वेस्ट करना है, जो भी मात्र 25% आप इन्वेस्ट कीजिए, और लाइफ टाइम तक आप जो है बिजली के बिल से छुटकारा पाइए। तो मेरे किसान भाइयों, आज की जो मेरी वीडियो पसंद आई होगी आपको, मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान।